आज की हमारी इस पावर बीआई की डैक्स फॉर्मूले में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डैक्स फॉर्मूला, उसमें हम बात करेंगे टैक्स फॉर्मूला के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में ज्वाइन करना और सेपरेट करना सिखाया था किसी भी दो कॉलम, एक कॉलम के किसी भी फील्ड को या दो कॉलम को। अब हम बात करना चाहते हैं कुछ और फॉर्मूले की कि इसको कैसे यूज किया जाए। तो एक बार मैं फॉर्मूले का लिस्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो आप लोगों ने फॉर्मूला लिस्ट देखा है कि नहीं देखा है? पहले तो मैं लिंक भेजा था आपको देखने के लिए। नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। बिल्कुल सर, डैक्स वाले। देखिए एकता जी, ऐसा नहीं, बहुत पहले भेजा था, मैं भी आपने देखा होगा। बहुत पहले भेजा था मैंने, शुरुआत जब मैंने डैक्स स्टार्ट किया था उससे पहले। ये इसमें थोड़े थोड़े देखे थे, सारे नहीं देखे। ठीक है, तो टैक्स कैटेगरी का फॉर्मूला चल रहा है। तो इसमें एक फॉर्मूला आपका कोड का है, एक फॉर्मूला हमारा कैर का है। कोड हो गया, ऑब्जेक्ट फाइन फिक्स लेफ्ट रावर मिडर रिप्लेस रैप राइट सर्च सब्स्टिट्यूट क्लीन, हाँ यूनिक है। ओके, अब इसका इस्तेमाल समझाने के लिए मेरे पास फिलहाल तो डेटा नहीं है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। उससे पहले आप इसके ट्रीम के ट्रीम फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। यस सर, ट्रीम आता है। ट्रीम आता है? यस सर। कैड कोड का एग्जांपल समझ लीजिए, मैं एक्सेल पे समझा देता हूँ क्योंकि उस पर इस पर अच्छा समझेंगे आप क्या होता है, यूज करना सेम। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जिसका होता है कि हाँ मेरे पास इसका एक होगा एग्जाम्पल, एक होगा जो डेटा होगा मेरे पास, मैं भी नहीं करता। इधर आओ, हमारे पास ये डेटा है फ्लॉग का आ गया, राइट? ये दिख रहा है आपको, राइट? अब इसमें ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे एक करेक्टर है, जैसे कि इस करेक्टर की बात हम करें, एक करेक्टर है ऐसा कुछ ऐसा करेक्टर है जिसके बिहाफ से मुझे इसको अलग करना है, राइट? या हटाना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए, मैं इसको पहले समझाता हूँ आपको कि मुझे हटाना है तो कैसे हटाएंगे। किसी भी करेक्टर का यहाँ पे अगर हम कोड का फॉर्मूला लगाते हैं तो एक कोड पता चल जाता है, और एक हमारे पास कैर होता है, इससे कैर पता चल जाता है कि ए। तो कैर उस कोड को करेक्टर में कर देता है, कोड करेक्टर को कोड में कन्वर्ट करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ डेटा ऐसा आता है जिसमें कुछ ऐसे करेक्टर लिखे होते हैं जिसके लिए कीबोर्ड के जरिए उसको टाइप नहीं कर सकते, जैसे कि ऑल्ट एंटर हमने मारा, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है। इसको जब मैं ट्रिम फार्मूला या कोई फार्मूला लगाता हूँ, ट्रिम फार्मूला, तो आप देखते हैं कि सुजीत कुमार यहाँ दिख तो रहा है। अब इसकी लेन काउंट करिए, लेन क्या होता है, कंप्लीट लेंथ ऑफ फार्मूला वैल्यू। तो नॉर्मली करेक्टर काउंट करते हैं तो 11 है, बट यहाँ पे कार 12 दिख रहा है, मतलब कि टी और के बीच में एक हिडन करेक्टर है। अब उसको कैसे निकाल, समझे? तो किसी करेक्टर को अनोदय करेक्टर से रिप्लेस करने के लिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे पावर बीआई में देख लीजिए कि जो डैश लगे हुए ना, मुझे सारे डैश को डॉट करना है। तो मैं न्यू कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे हम GLID कर देता हूँ, C
सब्स्टिट्यूट, टैक्स हो गया GLID, सॉरी टैक्स है ना हमारा ग्लोबल आईडी, कॉमा टैक्स स्पेस इसमें डैश, तो डैश कॉमा इसको स्लैश कर, स्लैश कर दीजिए, डॉट कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, एक कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले करना है, राइट। प्रॉब्लम यहां पे आता है कि हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर जो डॉट है इसमें लगाऊंगा मैं, तो हमें ये नहीं पता कि हम कैसे लिखें उस रैप टेक्स्ट को, मतलब कि ऑल्ट एंटर को सब्स्टिट्यूट में, दिख रहा है सर आपको यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे अगर लिख के एंटर मार दूँ तो नीचे चला जाएगा ना, नहीं डाल सकता। तो इसके लिए हम यहाँ कोड लिखेंगे और कोड में 10 देते हैं और फिर बोलते हैं इसको स्पेस करो। देखिए कोड में माफ कीजिए कैरेक्टर स्पेस आ गया। अब क्या हुआ कि किसी सेल पे आप ऑल्ट एंटर प्रेस करें और फिर देखें इसको कोड, कोड क्या आ गया, 10 आ गया, राइट। आया ना, अगर मैं यहां यहां पे कैर के अंदर में अगर 10 डालता हूं तो सेम वेक्टर आएगा। तो सेम चीज हमने यहां पे किया हुआ, तो कुछ किसी करेक्टर को अगर टाइप नहीं कर सकते तो आप उसका कोड पता कर लीजिए कि उसको करेक्टर का कोड क्या है। 40 वैसे मान लीजिए कि 45 है, तो मैं यहां जो डैश लिखा हूं इसके जगह पे यूनिक और के अंदर में 10 देता हूं और यहां पे इसको क्लोज करके बोलता हूं डैश कर। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जितने भी डॉट है डैश थे डॉट हो गए ना, क्या हो गया हमको, हो गया? Yes, sir. Clear है? आपका कोड और कैर का फंडा होता है और सब्स्टिट्यूट से हम इस तरह से रिप्लेस करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें रिप्लेस जो है करेक्टर के हिसाब से करना होता है। जैसे ये आपका जो यूजी दिख रहा है ना आपको, अब यूजी के जगह पे कुछ भी हो सकता है, यूजी हो सकता है, एजी हो सकता है, एसी हो सकता है, देखिए दो वर्ड का होगा। अब उसको मुझे आईएन में कन्वर्ट करना, जो आपको शैप ऑब्जेक्ट की है इसमें जो यूजी लगा हुआ है उसको आईजी में कन्वर्ट करना है,
लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं लगा सकता। सब्स्टिट्यूट ना लगाने के पीछे रीजन क्या है कि अब जरूरी नहीं कि यूज ही होगा, वो ए सी भी हो सकता है, आई सी भी हो सकता है, हमें जस्ट उसको आयन करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिप्लेस का। हम यहाँ पे रिप्लेस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा, सैप ऑब्जेक्ट की और स्टार्ट पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स स्टार्ट है, दो करेक्टर है और इसको आई एम करना है। थोड़ा सा डेटा बहुत बुरा है, देखा आपने आयन हो गया। तो आपका सब्स्टिट्यूट जो होता है वो होता है कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर को रीड करता है, वो करेक्टर जितना बार रिपीट है उतना उतने जगहों पे वो जो वर्ड बोलेंगे उसको रिप्लेस कर देगा। और ये आपका रिप्लेस का काम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन से नंबर ऑफ जो आपका ये है की है, नंबर ऑफ करेक्टर को रिप्लेस करता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और फॉर्मूला देखते हैं। ट्रिम करता है, अपर में कन्वर्ट करता है, सर्च और फाइंड में बताया वही है, राइट में बता ही चुका। रैप का काम होता है किसी भी टेक्स्ट या नंबर को रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये फ्लॉग है, मुझे इसको चार बार चाहिए, फ्लॉग फ्लॉग दो बार लिखा हुआ चाहिए, तो उस केस में हम रेफ्ट का हम काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आर ई पी कर दिया हमने, यहाँ पे रेफ्ट में टेक्स्ट हमारा हो जाता है, मान लीजिए सैप हमने बोला है कि इसको दो बार रिपीट करें। दो बार रिपीट कर दिया ना, ताकि इसका इसमें एक शब्द यूज करते हैं, पर इसमें कोई यूज नहीं है। मिड आपको बताया ही था मैंने, लोअर कर देता है, लेकिन बताया था लेफ्ट, फॉरवर्ड भी समझाया था और एग्जैक्ट भी समझाया था, इसमें अब कोई नहीं रह गया फॉर्मूला। एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको लगा कि हाँ फॉर्मूला नहीं हुआ है उसके बारे में बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। ठीक है सर, मनीष जी? जी सर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? सर नहीं, बोलिए सर। जो फिल्टर और इंफा फिल्टर फंक्शन है, तब उधर तक तो मैं पहुंच गया था, उधर तक ये पहुंच गए। ये बैच आप पीछे तक चल रहा है थोड़ा सा आपसे, तो तीन क्लास इंतजार करना पड़ेगा, या सुबह में 10 से 4 में चल रहा है ना सर? नहीं ना, अभी क्या हो गया, काम चालू हो गया ना, अभी हम जा रहे हैं ना। थोड़ा सा तो रिपीट हो जाएगा, इसमें और भी नई चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, दो तीन क्लास लगेगा। अच्छा सर, क्या हम आगे ये भी करेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो अलग अलग फाइलें हैं, तीन है बेसिकली, तीन अलग अलग फाइलें हैं। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं आप? नहीं, रिलेशनशिप तो वो डिफरेंट है, बट मेरे को जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ पावर बीआई के अंदर, उसके बाद मुझे उनको कंबाइन करके, क्योंकि उसमें क्या है कॉलम नेम डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि तीन अलग अलग टूल से वो डेटा आ रहा है, बट कुछ कॉलम्स हैं जो कि सेम है, कॉमन कॉलम्स हैं, बट उनके नेमिंग डिफरेंट है एज पर टूल। रिलेशन से लग जाएंगी? नहीं, रिलेशनशिप तो सिर्फ एक ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना हम के नीचे। नहीं, रिलेशनशिप नहीं लगेगा, क्योंकि इनको कोलेट करना है, कंबाइन करना है, कंबाइन करना है, वो सारा वो तीनों शीट से डेटा, अलग अलग कॉलम नेम है उनको एक, मतलब जॉइन, इनर जॉइन मेरे आउटर जॉइन मेरे ख्याल से कुछ इस टाइप से लगेंगे ना।
नहीं बताइए कि दोनों के बीच में कोई क्यों यूनिक एक्सेस में। नहीं एक मिनट बताइए, दोनों के बीच में कोई यूनिक, आप एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं या फिर अलग अलग फाइलों में अलग अलग कॉलम से उन कॉलम को मर्ज एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट कंबाइन करना चाहता हूं, एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट। हां एक नीचे पेस्ट करना। तीन टूल का डेटा है, कुछ भी यूनिक नहीं है उसमें, कुछ भी यूनिक नहीं है उसमें, तीन टूल से अलग अलग डेटा है। पावर क्यूरी इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, पावर क्यूरी इस्तेमाल होगा आगे बताऊंगा। जो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टूल में, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन पूरी दिक्कत है कि पावर क्यूरी कॉलम को रीड करता है उसके अकॉर्डिंग करता है, उसमें एक दिक्कत है पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी के जरिए कंबाइन ये होता है, तीन अलग अलग क्वेरी बनेगी फिर अपेंड क्वेरी लगेगा उसमें। एक्सेल में भी हम लोग करते हैं इसको, यहाँ से ये आपका ये होता है डेटा में, ये क्वेरी ये होता है आपका क्वेरी कनेक्शन, यहाँ से क्वेरी क्रिएट कनेक्शन, यहाँ से कम ये होता है क्यूरी, पहले इम्पोर्ट कर लीजिए कनेक्शन स्पीच कर लीजिए, उसके बाद कंबाइन क्यूरी में जाइए, ये होता है मर्ज, एक होता है अपेंड, इसके जरिए होता है एक इंच से खींच देते हैं, लेकिन फिर कॉलम फील्ड के नेम के अकॉर्डिंग चलता है। देखें इसको देख लेंगे, सोल्यूशन देख लेंगे इसका, ठीक है ठीक है सर। क्योंकि इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे एक में जैसे सीरियल नंबर का कॉलम है वो यूनिट सीरियल एसएन करके लिखा हुआ है, एक में सीरियल नंबर करके लिखा हुआ है। एक काम कीजिएगा आप किसी टेबल पे जाइएगा, यहाँ एसक्यूएल सर्वर भी है तो आई थिंक हो जाना चाहिए, ए यूनियन ऑल कमांड के जरिए, समझे, बिल्कुल होना चाहिए, एसक्यूएल भी क्लिक करेंगे तो एसक्यूएल भी लिखा जा जाता है। मैं एक बार देख अभी एक बार कर दिखाता हूँ, ठीक है चेक कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ, ठीक है सर, ठीक है। या ट्रांसफॉर्म डेटा में आप जाते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में तो ये आपका पावर टू रिलेटेड टूल के आता है, इसमें सारे शीट से ऐड हो जाएंगे, जो भी शीट ऐड कर लीजिए, यहाँ भी आपको दिख रहा है अपन क्यूरी दिख रहा है, कंबाइन फाइल अपन क्यूरी दिख रहा है ना सर आपको, यहाँ पे ये पावर क्वेरी में करना होगा इसमें, यही से होगा अपेंड क्वेरी होता है और यूनियन ऑल पे चलता है। तो एक बार एक्सेल से दो एक्सेल सीट को करके देखिए, ऐसे मैं भी करके देखूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है सर। तो इसके देखिए कल हम डेट एंड टाइम फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ओके ऐसा ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैं, लेकिन कल से